हाथी आक्रमण रे जने युवकों मृत्यु परे प्रतिक्रिया रखिछंती झारसुगुड़ा वन विभाग अधिकारी मनु अशोक भट्ट। श्री भट्ट प्रतिक्रिया दे कहिछंती जे हाथी को वन विभाग रो कर्मचारी और ग्रामवासी घोड़ाई थिले। एही समय रे हाथीटी हठात पछपटु को चली आसीथिला जहाँ फल हाथी द्वारा युवकंकर मृत्यु होइथिबा नै कहिछंती। तेबे हाथी चलापथ को किपरि सुरक्षित प्रदान करा जिवो से नै पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। नक्सपाळी अंचल रे सेथिपई गोटे स्वतंत्र जंगल सृष्टि करा जाउथिबा कहिछंती। हमें अर्ली मॉर्निंग नोटिफाई हुआ था डेथ के बारे में। इनफैक्ट जो डेथ हुई है वो काफी सारे गांव वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ भी था, तो उन्हीं के सामने हुआ क्योंकि थोड़ा सा वो हाथी के पास शायद चले गए थे जहाँ तक हमारा खबर है। पांच हाथी जो आप बोल रहे डिवीज़न में, ये अगर आप देखेंगे तो झारसुगुड़ा में शायद सबसे कम हाथी है बाकी डिवीजन्स के कंपैरिजन में। हाथी को भगाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि जब हाथी आपके आसपास आए तो इसको इग्नोर करें। उसके पीछे भीड़ अगर आप बना के जाएंगे तो हाथी नर्वस हो जाएगा और अटैक करने की चांस ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर हाथी है जो ऑलमोस्ट एक महीने से डिवीजन में ही है, लेकिन आज उसने पहली बार ऐसा अटैक किया। नहीं तो एक महीने से हम उसको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम ट्रैक कर रहे थे, हमें पता था कि वो हाथी कहाँ पे। आज भी स्टाफ उसी हाथी के साथ था, बट मेनली पब्लिक को हाथी के अराउंड थोड़ा केयरफुल और डिस्टेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो इंसिडेंट है काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, बट एक एज अ वार्निंग की तरह लिया जाए तो काफ़ी अच्छा। एक्चुअली हम आपके साथ अगर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम पब्लिक डोमेन में पुट आउट करना चाहते हैं कि सुंदरगढ़ और संबलपुर और बामरा के बीच में झारसुगुड़ा का बागडीह और कोलाबिरा रेंज में हाथी का रूट पड़ती है, और इस रूट में हम काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन ज़रूरी है। जैसे कि कुछ स्टेप्स हमने लिया है कि उस रूट क्या है हमें पता है, उस रूट के अगल बगल के जो ट्रांसफार्मर्स है उसका हम फेंसिंग करा रहे हैं। उस गांव के ऊपर कभी भी डैमेज होता है तो अनुकंपा ऐप से इमीडिएट कॉम्पनसेशन देने का हमारा टारगेट है। कुछ कुछ गांव में जब भी हमने सोलार फेंसिंग या ट्रेंच फेंसिंग कराया है ताकि हाथी गांव के अंदर ना जाए, वो इसी रूट में ज़्यादातर काम हुआ है। और इस रूट में जहाँ जहाँ भी जंगल एरिया है, जंगल के अंदर हमने तालाब बनाया है ताकि हाथी के पास पानी रहे समर सीज़न में और बाहर ना निकले ज़्यादा। और ये छोड़ के जो ग्राम्य जंगल है उसी रूट में, इस बार जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं नक्सपली, वो हाथी के रूट में ही है ताकि लॉन्ग टर्म में क्या हो कि जो हाथी का रूट है उसमें जंगल बना रहे और उसके अंदर हम फ्रूट बेरिंग ट्रीज भी डालते हैं ताकि जंगल के अंदर ही हाथी को खाना मिले लेकिन बाहर ना आए। फिर भी हाथी का बिहेवियर वो थोड़ा चेंज हुआ है कि जब फसल कटने का हार्वेस्ट सीजन आती है तो वो थोड़ा फील्ड में निकल सकते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ हमेशा हाथी के साथ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन हाथी के आसपास जो पब्लिक कमोशन है, जो भीड़ भाड़ है, वो कम करने से ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। झारसुगुड़ा रू प्रीतम पंडा का रिपोर्ट, खबर ओडिशा।